कॉमेडी के इस फील्ड में, इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह हमें बताइए। कुछ फकीरों की नकल, कुछ टीचरों की नकल, फैंसी सालाना स्कूल का जो प्रोग्राम होता था वहां से मुझे शौक हुआ। अच्छा कबड्डी खेलना आता? आता। वॉलीबॉल खेलना आता, फुटबॉल खेलना आता, क्रिकेट खेलना आता, झूठ बोलना जब से क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास भी हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, ऐसी मशीन निकली, बजवे सो बिरयानी को मशीन में डालो, बटन दबाओ, गोश्त अलग, चावल अलग, घी अलग, कोबी अलग, मुझे नाराज। पिछले दौर में जो कॉमेडी होती थी, आज के दौर में जो कॉमेडी हो रही है उसमें आप कितना फर्क आप महसूस करते हैं? खाली फिल्म स्टारों की आवाज, उसके फिल्मों की नकल, उससे हटके कुछ भी नहीं। हम लोग बनाते थे। मैं नई नस्ल के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उर्दू बराबर पढ़ना, उर्दू सीखना, अपनी मादरी जबान को कभी नहीं भूलना। इंसान बोले तो इज्जत जाती है। आप क्या देखे घर में काम करने वाली औरत कम लम्बा, उसको मरण हमारा, हाथ से खाना न मिला सकते।